आगे के घटक को समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा एटीट्यूड बनाने में और कौन से घटक इस्तेमाल होते हैं। जजमेंट, निर्णय। क्या है जजमेंट? देखिए, बचपन से हमें जो कुछ पढ़ाया जाता है, हमारे पेरेंट्स पढ़ाते हैं, हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, हमें धर्म में, हमारे जाति में संस्कार दिए जाते हैं, और तमाम चीज़ें जो बताई जाती है बहुत अच्छी होती है। हम भी इनको बचपन में मानते हैं। जैसे बहुत छोटी चीज़ अगर मैं बताऊँ कि अगर हमें पेरेंट्स ने कहा है कि खाना खाते समय हाथ धो के बैठना चाहिए, हम इतना स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स भी गलती करे या हमारे पेरेंट्स खाने को बैठे और हाथ ना धोए तो हम अनुभव करते हैं कि बच्चे खुद उन्हें टोक देते, पापा हाथ धो के बैठिए। ये उस वक्त में हमारे दिमागों पे बड़ा अच्छा असर डालता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम अलग समाज के लोगों से भी मिलते हैं, अलग लोगों से मिलते हैं, स्कूल में जाते हैं, कई अलग अनुभव के लोग हमारे साथ आते हैं, और एक उम्र के बाद हम निर्णय लेते हैं। और हम निर्णय क्या लेते हैं? हम निर्णय लेते हैं थोड़ा बहुत चलता है, इतना उतना तो चलता है। अब ये हमारा बन जाता है दृष्टिकोण और ये हमारे व्यवहार पर परिणाम करने लगता है। अब इसी में बहुत सारी गलत आदतें भी हम सीख जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब शराब है, बियर थोड़ी है, थोड़ी बहुत तो चलती है, नॉट डेली, वीकली, कभी कभी। और हम फिर उन चीज़ों को बुरा भी नहीं मानते जो कभी हमें बुरी लगती थी, क्योंकि अब हमारा निर्णय हो गया कि यह चीज़ें बुरी नहीं है। बात को समझिए, हमें बताया नहीं गया लेकिन यह हमारा निर्णय है। अगला घटक है मोटिव, प्रेरणा। क्या है साहब मोटिव? मोटिव एक आंतरिक शक्ति है जो हमें किसी भी कार्य को प्रवृत्त करने के लिए, जो कार्य प्रवृत्त करने के लिए एक शक्ति, एक मानसिक शक्ति काम करती है, उसे मोटिव कहा जाता है, उसे प्रेरणा कहा जाता है। प्रेरणा दो प्रकार की हो सकती है, एक इंटरनल मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। इंटरनल मोटिवेशन क्या है? जो हमारे भीतर से कुछ हमें लगता है और हम वो करते हैं, वो है हमारा इंटरनल मोटिव। कई बार ये होता है कि कुछ काम करने के लिए कोई हमें मार्गदर्शन करता है, कोई हमें समझाता है, कोई इसके फायदे बताता है, कोई हमें प्रेरित करता है, और जो बाहर से प्रेरणा हमें मिलती है उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन कहा जाता है। अब ये मोटिवेशन हमारा वैल्यू एटीट्यूड बन जाता है और वही हमारा बर्ताव बनने को जिम्मेदार होता है। अब मोटिव को अगर समझना चाहे तो एक बहुत छोटी मिसाल आपको मैं देता हूँ। किसी जंगल में एक फॉक्स और या ये कहे कि एक लोमड़ी बड़ी बड़ाई मार रही थी, सभी से कह रही थी मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ता। तमाम लोमड़ियों ने कहा कि ठीक है, हम मान लेंगे, उस खरगोश का शिकार करके बताओ। लोमड़ी कहती है कौन सी बड़ी बात है, अभी नाश्ते का भी वक्त हो रहा है, अभी कर लेती हूँ। वो लोमड़ी उस खरगोश के पीछे बहुत दूर तक दौड़ती है, बहुत तेज दौड़ती है, खरगोश भी काफ़ी तेज दौड़ता है। बहुत दूर तक जाने के बाद भी वो लोमड़ी उस खरगोश का शिकार नहीं कर पाती और लौट आती है इतना सा मुँह लेकर। तमाम लोमड़ी है जी उसकी मजाक उड़ाती है, कहती जी बताओ तुमने तो दावा किया था तुमसे तेज कोई नहीं दौड़ता, फिर तुम उस खरगोश की शिकार क्यों नहीं कर पाई। वो जो लोमड़ी उत्तर देती है यह मोटिवेशन पर आधारित है। वो कहती है कि दौड़ तो दोनों रहे थे, दोनों को दौड़ना एक जैसी कृति बता रहा था, लेकिन दौड़ने के पीछे जो प्रेरणा कार्यरत थी वो भिन्न भिन्न थी, और उस खरगोश की प्रेरणा मेरी प्रेरणा से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। मानो मैं तो दौड़ रही थी एक वक्त के नाश्ते के लिए, लेकिन वो जो खरगोश दौड़ रहा था वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, और उसका मोटिव मेरे मोटिव से कई ज़्यादा स्ट्रांग था, इसलिए वो मेरे हाथ नहीं आया। ये साबित करता है कि हमारे हर व्यक्ति के व्यवहार के पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है।